जानना चाहूँगा इस इवेंट के बारे में, कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़ के, और जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में बताइए और किरण जी के बारे में बताइए क्या है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक आर्टिस्ट दिनेश जी खुद आर्टिस्ट हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और ख़ास करके जो हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं वो सारे बेहतरीन जिसको हम कह सकते हैं ऐसे आर्टिस्ट हैं। शिवामणि जी जिनका पूरा वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, और मेरे भाई धर्मेश भाई, इनका भी बहुत बड़ा नाम है मुंबई में, और हर जगह पे इनके शोज़ में काफ़ी लोग इनको जानते हैं। और मैं मुंबई में, वैसे मैंने 3 साल पहले भी किया था, लेकिन 2 साल के अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए बीच में, 2 साल तो कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, तो 3-4 साल के अंतराल के बाद मैं मुंबई में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सब लोग साथ में मज़ा करेंगे और आनंद करेंगे, गरबा करेंगे और माता जी की आराधना करेंगे। सर, आपसे जानकारी के बारे में, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस्मान सर के बारे में और शिक्षक के बारे में कहना चाहेंगे? ये जो इवेंट है, जो नवरात्रि का इवेंट है, इज़ अ फेस्टिवल ऑफ रिदम, जो हम लोग बोलते हैं गरबा, तो फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम है। तो सबसे पहली थॉट जो है, जो सोच है, वहाँ से शुरू हुई थी कि जैसे हमारे देश में रिदमिस्ट में शिवामणि साहब ने बहुत ऊंचा, और एक रिदमिस्ट और एक म्यूजिशियन का सर गर्व से ऊंचा किया है, जैसे जाकिर भाई है, शिवामणि साहब भी उसमें, और हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि हम 3 कल्चर को एक साथ स्टेज पर लाए हैं। गुजरात के प्राइड हैं उस्मान भाई हमारे साथ हैं, साउथ के प्राइड, इनफैक्ट देश के प्राइड हैं ये दोनों आर्टिस्ट, जो आज स्वरालाप की नवरात्रि में हमारे साथ शिरकत करेंगे और परफॉर्म करने वाले हैं। ये हम आर्टिस्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है, बहुत खुशी की बात है हम कलाकारों के लिए। सर, बट बीइंग एन ऑर्गेनाइजर बहुत कॉशियस भी रहना पड़ता है, इतने सारे लोग आते हैं, मैनेजमेंट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीइंग एन ऑर्गेनाइजर ये एक बहुत बड़ा वास्ट, एक जितना बड़ा वास्ट परफॉर्मेंस का एक रोल है, उतना ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजर का भी रोल है, लेकिन वो एक मतलब एक अंदर जब इच्छा होती है ना तो फिर वो पूरी हो जाती है, तो थोड़ी तकलीफ हो रही है इनफैक्ट, जो होना हो भी सकती है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको वो निकल जाएगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस और आज जब रिहर्सल है और उस्मान भाई ने जब हाँ बोला तो वो सारी तकलीफें एक तरफ दूर हो गई, चलो वो देखा जाएगा, हम लोग परफॉर्म करते हैं नवरात्रि करें, क्योंकि 25 साल से मैं खुद भी मैंने परफॉर्म किया है नवरात्रि में, मैंने बजाया ड्रम, और आज जब ऑर्गेनाइज करने का और इतने अच्छे कलाकार साथ में मिले तो वो सारी तकलीफ छोटी लगती है। हमारे लिए एक इतना एक फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे 2 दिग्गज कलाकार के साथ, हमारा पूरा बैंड जो है वो इतना एक्साइटेड है इस बार कि जब उस्मान मीर जी और शिवामणि जी के साथ परफॉर्म करने का एक मौका मिलेगा तो हम लोग भी सब अंदर से इतने चार्ज्ड अप हैं कि नॉर्मली नवाती तो सब जगह होती है, बट इस तरह से कलाकार के साथ जुड़ने का मौका जब मिल रहा है तो हमारी सब तैयारी मतलब 5 गुना बढ़ गई है। एंड हमारा यही ध्येय है इस बार कि गुजरात का जो फोक है, बॉलीवुड को एज अ सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल रखते हुए मोस्टली हम लोग ट्रेडिशनल जो गाने हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इस बार वायलिन है, शहनाई है, जो आपको आमतौर पे कोई बैंड में देखने नहीं मिलेगा, सो ऑथेंटिक जो उसका अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है उसका हम लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे इस बार। एंड उस्मान जी का जो साथ है हम पे, उनका आशीर्वाद है हमारे लिए, तो उनके साथ स्टेज शेयर करना एक बड़ी बात है, तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैं सिर्फ आई स्पीक अबाउट नवरात्रि यहाँ पर ओनली, सो मैं तो कहूँगी दिस इज माई ऑनर एंड मेरा गुड लक, बेस्ट लक दैट मैं आई मेट दिनेश सर। पहले तो दिनेश सर ने जब मुझे बताया नवरात्रि के बारे में, एंड इतने साल से आई एम अ फैन ऑफ ऑल दीज 3 पीपल जो यहाँ बैठे हैं एज म्यूजिशियंस एज देयर सिंगर्स, एंड आई थिंक इट्स जस्ट मेरा लक है कि आई एम पार्ट सिटिंग विद देम यहाँ पर आज, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दिनेश सर फॉर मेकिंग मी अ को ऑर्गेनाइजर। सर थैंक यू, एंड बस आई लुक फॉरवर्ड टू और सभी को वेलकम। आई थिंक ये नवरात्रि इज़ वन ऑफ अ काइंड, हमने बहुत सारी नवरात्रि फ्रॉम मुंबई हमने देखी है इतने साल में, बट ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ स्टेज पर जो शिवामणि सर, उस्मान सर एंड धर्मेश सर एंड दिनेश सर, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। आई थिंक दिस विल बी रिमेम्बर्ड सालों तक ये नवरात्रि, और अगले साल भी हम करेंगे, सो
जी सर, बॉलीवुड में तो मेरा चल ही रहा है, अभी दो फिल्में की हैं, लेकिन अभी मेरा एक नवरात्रि का बहुत ही माता जी का एक गरबा बहुत खूबसूरत, हमारी मावड़ी जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं अमित त्रिवेदी, उनके साथ हमने 4 साल पहले एक गाना किया था, गरबा किया था मोती वेराना चौक माँ, तो वो आज भी मतलब 4 साल से हिट चल रहा है। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो दूसरा एक और गरबा करते हैं, तो हमारी मावड़ी जो गाना है हमने अभी 5-6 दिन हुए अभी रिलीज़ हुए, लेकिन 2 मिलियन के पार हो गया और काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो नवरात्रि है मेरे लिए बहुत ही लकी है और माता जी का आशीर्वाद मुझे पहले से ही मिल चुका है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नवरात्रि मुंबई में होगी उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है। हालांकि देखिए, मैं और शिवा हम दोनों पहले परफॉर्म कर चुके हैं साथ में, लेकिन मुंबई में पहली बार ये नवरात्रि में गरबा में पहली बार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ एक वायलिन जो आर्टिस्ट हैं वो रशियन आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, गरबा में पहली बार वो परफॉर्म कर रहे हैं। करें तो ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें होने वाली है जो अभी तक कभी हुई नहीं है ये गरबा में, तो मेरे लिए बहुत मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये गरबा के लिए। आज के दौर में जो फिल्में होती हैं उनमें जो नवरात्रि का कल्चर है वो दिखाया बहुत कम ही जाता है, 80s-90s में बहुत शोकेस हो रहा था, तो वो नवरात्रि कल्चर शोकेस करना कितना जरूरी मानते हैं फिल्मों के माध्यम से? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बंसाली सर की जो मूवी आई मैंने, जिसमें मोर बनी थनगाट कर गया, नगाड़ा संग ढोल बाजे वो गाना, तो उसमें पूरा नवरात्रि गरबे का पूरा कल्चर दिखाया। लेकिन अभी जो फिल्में बन रही हैं, अभी जो गाने आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर ऐसे गाने होते हैं जिसमें गरबा दिखाया जाता है, और गरबा ये हमारे लिए मतलब गुजराती आर्टिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने अभी जो 2 फिल्में की हैं उसमें भी 2 गरबा टाइप 2 सॉन्ग मैंने गाए हैं, उसमें एक फिल्म तो यशराज बैनर की है तो उसमें भी बहुत खूबसूरत गरबा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक जो गरबा कल्चर है उसको भी बॉलीवुड प्रमोट कर रहा है और अच्छे से गाने सब हिट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है, जी तक फिल्में जा रही हैं, वो जो रीजनल फिल्म का इतना बड़ा रूप होना कितना अच्छी बात है मानते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने भी 103 गुजराती फिल्में गाई हुई हैं, लेकिन जो लास्ट मैंने जो 18-20 जो फिल्में मैंने गाई उसमें से बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है, तो ये भी एक मतलब गुजराती फिल्म के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और सब अच्छे अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र्स जैसे कि अमित त्रिवेदी जी, फिर सचिन जिगर हैं, फिर सलीम सुलेमान हैं, बहुत जो इंडस्ट्री में बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं वो सारे लोग अब गुजराती फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है चेंज। पर आज के दौर में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि म्यूज़िक में जो है वो सोलफुलनेस की कमी होती है, जो पहले हुआ करता था, एक डेप्थ होता था गाने में, हार्टफुल होता था, वो चीज़ की कमी है आपके? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, हर एक जो आर्टिस्ट हैं उनका एक अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे कि आज भी ऐसे गाने बन रहे हैं कि हम सुन के मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और जैसे पुराने जो गाने बनते थे उनकी तो बात ही कुछ अलग ही थी, वो प्योर राग का यूज़ करते थे, तो आज भी ऐसे गाने, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब आज भी ऐसा काम नहीं होता। अगर काम ऐसा होता ही नहीं तो फिर लोग आज सुनते क्या? तो आज भी ऐसे गाने बन रहे हैं जो हमको दिल को सुकून देते हैं, हम आराम से सुन सकते हैं। रिदम और सोल दोनों म्यूज़िक का ये दिल है, तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए। काफ़ी परफॉर्म किया होगा नवरात्रि में अपने को, ऐसे मेमोरेबल मोमेंट है जब आपको याद करो कि हाँ ये परफॉर्मेंस मैंने किया था और जो रिस्पॉन्स मिला था, या कुछ इमोशनल मोमेंट्स, ऐसा कुछ कनेक्शन हुआ था आपका? जी सर, बहुत सारी मोमेंट्स आर्टिस्ट के लाइफ में, मैं तो पिछले 30 साल से मैं गा रहा हूँ, तो
बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमको कुछ ऐसी क्षण होती है जो याद रह जाती है। बिल्कुल जी 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 मावड़ी ये जो अभी मेरा जो गाना अभी गरबा जो चल रहा है बहुत खूबसूरत है। मैं एक दो दो लाइन आपको सुना दूं। हे मारी नावड़ी, हे मारी नावड़ी, हे मारी नावड़ी उभी छे मजेदार मारी मावड़ी, उतारो ने भव पार, उतारो ने भव पार, हे मारी नावड़ी उभी छे मजेदार मारी मावड़ी, उतारो ने भव पार, उतारो ने भव पार मारी मावड़ी, उतारो ने भव पार। धन्यवाद, थैंक यू। सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप इस इवेंट को पूरा पूरा, तो किस तरह फुटबॉल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या थीम होने वाली इस नवरात्रि का? फुटबॉल जहां तक मुझे मतलब भरोसा है कि फुटफॉल दो तरीके से आते हैं। एक तो आर्टिस्ट हम जो स्टेज पे परफॉर्म हम लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या आर्टिस्ट जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे, पहला कदम हमारा स्टेज पर पड़ा हमारी टीम का और ये चेंज ओवर आने वाला है। और दूसरा एक फुटफॉल होता है वो मार्केटिंग से, तो वो अपनी जगह पर अपना रोल प्ले करता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हो सकता है हम लोग वहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन स्टेज के ऊपर हम लोग किंग है। वो मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे, मेरी टीम पे और आने वाली ऑडियंस पे, जो अगले दो ही दिनों में आपको कलर देखने मिलेगा। हो सकता है बहुत कुछ बड़ा चेंज होगा और पूरा भरोसा है लोगों को, ये चेंज की ज़रूरत थी। ऐसा मैं 10 साल से एक्सपेक्टेशन कर रहा था और मुझे ये आज स्टेज पे आने के लिए और ये टीम सेट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि 10 साल का मेरा इंतज़ार है और ये आज हो रहा है। पासेस ग्राउंड पर हैं, बॉक्स ऑफिस शुरू हो गया है अपना और बुक माई शो पे भी अवेलेबल है और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जानने पहचानने वाले बड़े समाज वाले लोग, ये सभी लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उस्मान भाई का नाम तो आज घर घर में है और उनके लिए उस्मान भाई आज लाइव स्टेज पे आना मुंबई में, वो उनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि वो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ना पिछले सालों से, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और जिसके लिए मैं उस्मान भाई का और शिवावनी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये ट्विस्ट लाने में उन्होंने हमारा साथ दिया है। और ऑफकोर्स धर्मेश भाई और हम लोग 25 साल से साथ में दोस्त हैं, हमने हमारी म्यूजिकल जर्नी साथ में शुरू की थी, तो आज ये और एक नया मोड और हम दोनों फिर एक बार स्टेज पे साथ में है, इट्स अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। इसका नाम हमने जो टाइटल रखा है वो अनंता, जो दुर्गा माँ का एक नाम है, तो ये स्वरालाप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है और स्वरालाप प्रेजेंसी अनंता नवरात्रि 2023 जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कोरा केंद्र ग्राउंड नंबर 2 और 3 बोरीवली वेस्ट में। और सभी लोगों से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आइए और इस नवरात्रि का हमारे कलाकारों की टीम का पूरा पूरा आनंद लीजिए। थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू।